दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या अब 23 जुलाई से टिकटॉक वापस आ जाएगा और क्या अब मोदी सरकार टिकटॉक को फिर से भारत में शुरू करने वाली है? और शायद आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि टिकटॉक का हेड ऑफिस अब चाइना से भारत में आ रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके मन में चल रहे हर सवाल का जवाब मिलेगा। अब दोस्तों ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि जब से भारत में टिकटॉक सहित 59 ऐप बैन हुए हैं, तब से चाइना की तो हालत खस्ता है ही। उसके साथ ही टिकटॉक बनाने वाली कंपनी बाइट डांस तो पूरी तरह से तबाह होने पर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बाइट डांस कंपनी अपना हेडक्वार्टर चाइना से शिफ्ट करने वाला है। ये खबरें जोरों शोरों से हर जगह फैली हुई है और उसके साथ ही अब कई लोगों का ये भी कहना है कि टिकटॉक वापस आ गया है। ऐसे में ये सभी बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ, चलिए आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त और होस्ट विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप पूरी तरह हैरान हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम बार बार सोचते हैं कि टिकटॉक के मुद्दे को खत्म करके किनारे फेंक दिया जाए, लेकिन बार बार इससे जुड़ी कुछ ना कुछ ऐसी खबर सामने आ ही जाती है जो हमें मजबूर कर देती है कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचा दें। अब जैसे कि आप टिकटॉक के वापस आने की ही बात को ले लीजिए, अब भला ऐसी बातें फैले और हम उस पर वीडियो ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी वजह से हमने सोचा इस पूरी चीज को सही से देखा परखा और समझा जाए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। और जब हमने इन सभी चीजों को देखा कि असली मामला क्या है, तो हम भी हैरान रह गए। असल में अगर आपको न पता हो या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी खबर ना आई हो, तो हम आपको बता दें कई लोगों के मोबाइल फोन में एक मैसेज आ रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब टिकटॉक भारत में टिकटॉक प्रो के नाम से चलेगा और टिकटॉक प्रो को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। लिंक पर क्लिक होता है तो ये आपको एक ऐसी साइट पर ले जाते हैं जहां पर गूगल से एक ऐप डाउनलोड होता है, जिस ऐप को खोलने पर वो ऐप सेम टिकटॉक जैसा ही दिखाई देता है, जिसे देखकर लोग खुश हो जाते हैं और हर परमिशन पर अलाउ टिक करके आगे बढ़कर अपने टिकटॉक करियर को संवारने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी वापस से उन्हें मिल गई है टिकटॉक प्रो के रूप में। पर आपको हम बता दें कि अगर आप भी टिकटॉक के इतने बड़े पुजारी हो, तो उसका सदमा आपके दिल और दिमाग से गया नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी ऐरा गहरा आपको मैसेज भेजकर बोले कि टिकटॉक प्रो के नाम से आप तक आ गया है, इसे डाउनलोड करके सभी परमिशन को हां कह दो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ तो हमें कोई नहीं लगता कोई होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस सिक्योरिटी के कारण टिकटॉक को टाटा बाय कहा गया है, आप उसी चीज को अपने घर में पना दे रहे हो। जी हाँ, क्योंकि टिकटॉक तो चला गया है, ऐसे में हैकर्स टिकटॉक के दीवानों की फिरकी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे अगर आपने इस ऐप को पूरी तरह से डाउनलोड करके सभी परमिशन को अलाउ कर दिया, तो आपके फोन में जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो हैकर हैक कर लेगा और फिर आप रह जाएंगे ऐसे ही टिकटॉक की यादों में खोए हुए। वैसे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम टिकटॉक के कट्टर विरोधी हैं, तो ऐसा भी नहीं है, हमने इसके फायदे और नुकसान भी बताए हैं। हमें विरोध उन लोगों का करना है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी नाच गाने में पड़े हैं, ये चीज बिना समझे कि उनके इसी 30 सेकंड के एंटरटेनमेंट से देश बर्बादी की ओर बढ़ता जा रहा है। वैसे अगर बर्बादी की बात ही आ गई है, तो हम आपको बता दें टिकटॉक ऐप बनाने वाली कंपनी बाइट डांस की पूरी तरह से बर्बादी की राह पर चल पड़ी है। जी हाँ, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारी भारत सरकार है, क्योंकि टिकटॉक को अब तक $6 बिलियन का नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारत में बैन होने की वजह से हुआ है और हर रोज 3.5 करोड़ का नुकसान टिकटॉक को हो रहा है। अब इन आंकड़ों से तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का तीर सही निशाने पर लगा है, क्योंकि टिकटॉक बनाने वाली कंपनी बाइट डांस के एक नहीं बल्कि 3-3 ऐप इंडिया में बैन हुए हैं, जिसमें हेलो और वीगो वीडियो भी शामिल है और ये दोनों ही काफी पॉपुलर ऐप हैं। ऊपर से बाइट डांस के लिए हार्ट अटैक वाले स्थिति तब पैदा हो गई जब रोपोसो और शेयर चैट जैसे ऐप काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अपने ही कॉम्पिटिटर मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म करें तो किसी भी कंपनी की हालत खस्ता हो जाएगी। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इतनी बड़ी चाइनीज कंपनी ने अपने देश में अपना हेडक्वार्टर हटाने की ठान ली है।
जिस हिसाब से खबरें लगातार आ रही है उससे तो ये पता चल रहा है कि अब चाइना बेस्ड टिकटॉक की कंपनी जिसका नाम बाइट डांस है वो अपना पूरा बिजनेस चाइना से हटा देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी भी बहुत अच्छे से जानती है कि सरकार ने भले ही इन 59 ऐप को बंद करने का रीजन सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए दिया है, लेकिन असली कारण तो सीमा में हो रहा विवाद ही है। और ऐसे में इतना भारी नुकसान 10-15 दिनों में हो गया है तो आप खुद ही सोच लीजिए, अगर 1-2 महीना इसी तरह बैन चलता रहा तो कंपनी पूरी तरह से एवरेज हो जाएगी, जो कहीं के नहीं रहे। अगर ऐसा होता है तो इस बात की गुंजाइश भी बढ़ जाएगी कि टिकटॉक का बैन खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम पुख्ता तौर पर नहीं बता सकते क्योंकि हमारी भारत सरकार भी ये जानती है कि चाहे बात सिक्योरिटी की हो या फिर चाइना जैसे देश के ऐप्स की, लेकिन यहाँ बात उन युवाओं की भी है जो इसमें अपना समय बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। वरना कब किसको फर्क पड़ता था कि कोई ऐप चल रहा है या नहीं, लोग तो केवल कैंडी क्रश या फिर यूट्यूब में जुटे रहते थे। पर अब पबजी और टिकटॉक वाले लोगों ने जमाने को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि बदलाव अच्छा है। लेकिन अगर इस कदर पबजी खेलते खेलते इंसान और तेजी से गालियां बकने लग जाए और टिकटॉक की वीडियो बनाते बनाते इंसान पूरा दिन उसी में खो जाए तो हमें नहीं लगता कि ये चीज आपको कहीं से भी फायदा पहुंचाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अपनी राय इस बारे में हमें देना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खुला है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर दो, फैला दो इसे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।